इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। शायद अभी तक वो लोग प्रशासन सो रहे हैं या फिर उनके कान के अंदर कुछ क्या कहते कान कजूरे ठूसे हुए हैं, उनको निकालना पड़ेगा। तो उनके कान से कान कजूरों को निकालना पड़ेगा और सोए हुए को जगाना पड़ेगा। इसीलिए हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। एमपी साहब लोगों के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हमारा जो काम है वो दिल्ली में बैठ करके सांसद भवन में जा करके अरुणाचल के हित के लिए कोई योजना तैयार करना, कोई सांसदीय बैठक में बैठ करके अरुणाचल के प्रगति के लिए वो लोग यहाँ पे मतलब चिंतन मंथन करते हैं। अरुणाचल के अंदर में लोकल लेवल में क्या पॉलिटिक्स चल रहा है उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई सरोकार ही नहीं है, ये वो कहते हैं। उसी की बात है, मैं एक आम अबला नारी हूँ, घर की एक गृहिणी हूँ, बच्चों की माँ हूँ। मैं यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज लेकर के दिल्ली तक पहुँची हूँ। पहले तो मुझे कोई नहीं पूछते थे कौन है शीतल, क्या है, वो कोई नहीं जानते थे। अब अगर सरकार मेरे खिलाफ सड़क पर उतर आए और सारे नौटंकी बाज लगा रहे तो इस बात से तो साफ जाहिर होता है कि सरकार हिल गई है, वो कितने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। अब उनकी कुर्सी ज्यादा देर नहीं टिकेगी, शायद उनको ऐसा लगता है, इसीलिए अपना जो कार्यक्रम है उसको FIR का सीजन चल रहा है हमारे राज्य में। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।